Hello and welcome all of you. Now we will study reflecting type telescope. Reflecting type telescope, initially it was made by Newton. So they were called Newtonian type telescope. And later on they were modified by Cassegrain. So these were called Cassegrainian telescope. हम दोनों को discuss करेंगे यहाँ पर Newtonian type और Cassegrainian type telescope. First we will discuss about Cassegrainian reflecting type telescope. पहले हम बात करते हैं कि why these are called reflecting type telescope. Dear students, हमने पिछले वीडियो में जो optical instrument जैसे simple microscope, compound microscope, astronomical telescope जो study किए थे, they all were based on refraction. अब ये क्या है reflecting? इनको हम reflecting क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह यहाँ पर हम मिरर यूज करते हैं एंड वी यूज कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग टाइप मिरर. सो वी आर यूजिंग मिरर और मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सो दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. ये तो हो गया व्हाई दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप? इसके एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस? जो इन दिस केस we are using parabolic reflector and these reflector are of large aperture and large focal length. So kya hoga? Gathering of light, dekho, these are used for observing distant stars like planets. To wahan se jo hum ye maan sakte hain ki jo light rays aate hain, they can collect a large number of light rays or a very large amount of light is reflected. So image banti hai, kaisi banti hai? Bright image banti hai. Dusra yahan par jo क्रोमेटिक एब्रेशन जो होती है, वी कैन से दैट क्रोमेटिक एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशंस आर रिमूव्ड. व्हाट इज मीन्ड बाय क्रोमेटिक एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशंस? क्या होती हैं? जैसे हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस के केस में डिफरेंट टाइप की जो वेव आती हैं, वेव लेंथ अलग अलग होती हैं. तो लेंस उन डिफरेंट वेव लेंथ की वेव्स को that cannot focus exactly, वो एक अच्छी तरह से focus नहीं हो पाती हैं. So image कैसी बनती है? Blended, थोड़ी सी धुंधली image बनती है. लेकिन यहाँ जो image बनेगी वो कैसी बनती है? Bright image is formed due to reflecting type telescope. So now what is the ray diagram of reflecting type telescope? यदि हम इसके लिए ray diagram और इसकी working की बात करते हैं, first we will discuss Cassegrainian टाइप टेलीस्कोप. देखो क्या हुआ, हमारे पास में ऑब्जेक्टिव की जगह वी यूज ए कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एग्जाम्पल आप अपने घरों में जैसे डिश टीवी का जो एंटीना होता है, D2H एंटीना जो भी लगे हैं, डिश टीवी, टाटा स्काई एंड सो इस प्रकार के जो एंटीना जो लगे होते हैं, देखा होगा ना आपने, दे आर लाइक ए अम्ब्रेला. तो इस प्रकार के जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर? दे कैन कलेक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंड सो दे कैन रिफ्लेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ रेज. नाउ यहाँ देखो, अब हम क्या मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी से क्या होगा? देर आर पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. अब ये जो पैरेलल रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, दीज आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस मिरर एंड दिस इज ए कनकेव मिरर. एंड वी नो दैट कनकेव मिरर क्या करता है? वो रेज जो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, उन रेज को इसके फोकस पे कन्वर्ज करेगा. सो दीज रेज विल बी रिफ्लेक्टेड बाय दिस मिरर एंड विल फोकस ऑन द विल कन्वर्ज ऑन द फोकस ऑफ दिस कनकेव मिरर. लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा मिरर यूज करते हैं. वी यूज अनादर कन्वेक्स मिरर बिफोर इट्स फोकस. मतलब इस जैसे कि ये रे फोकस हो, इसके फोकस से पहले हमने यहाँ पर एक दूसरा कन्वेक्स मिरर और पुट कर दिया. इस प्रकार से कन्वेक्स मिरर पुट कर दिया कि ये जो रेज है, दीज आर रिफ्लेक्टेड बाई दिस मिरर. एंड अब उसके बाद में क्या होगा? देखो हमारे पास में ये जो कनकेव मिरर था, इसके अंदर हम एक इसके सेंटर पे वी मेक ए होल एट इट्स सेंटर और ये जो रेज जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में दे विल पास थ्रू दिस होल एंड दे आर फाइनली सीन बाय ए
आईपीस यहाँ पर वी यूज ए कन्वेक्स लेंस अनदर कन्वेक्स लेंस विच इज कॉल्ड आईपीस एंड दिस कन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज ए माइक्रोस्कोप्स इट इज ए सॉर्ट ऑफ माइक्रोस्कोप विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टू लार्ज ऑब्जेक्ट्स माइक्रोस्कोप का काम आता है छोटी वस्तुओं को बड़ी करके दिखाएगा तो यहाँ पर जो इमेज बनती है इमेज इज स्मॉल तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया वी यूज अनदर कन्वेक्स लेंस विच एक्ट्स एज ए माइक्रोस्कोप और वी कैन से दैट दिस एक्ट्स एज ए आईपीस। अब यदि यहाँ पर हम इमेज की टाइप की बात करें किस प्रकार की इमेज बनेगी तो फाइनल इमेज जो आईपीस के द्वारा हम देखेंगे वी कैन से दैट फाइनल इमेज इज आल्सो इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट सो दिस इज आईपीस और ये क्या हो गया हमारा कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस या यू वी कैन से दैट दिस इज ए कन्वेक्स मिरर और जिसको हम सेकेंडरी मिरर कन्वेक्स मिरर ये हमारा कौन सा था ऑब्जेक्टिव दिस इज कन्वेक्स मिरर या सेकेंडरी मिरर जिसने दोबारा से लाइट को रिफ्लेक्ट किया दिस इज आईपीस और ये रेज कहाँ से आते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स विच आर प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। नाउ इफ वी कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर देन वी हैव नो डेरिवेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्टली वी कैन से दैट इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एफ नोट अपॉन एफ ई वेर एफ नोट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इज आवर कनकेव मिरर एफ ई के फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड आई पीस इज आवर कन्वेक्स लेंस और वी कैन से दैट वी नो दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई टू सो एफ नोट को वी कैन रिप्लेस बाई आर बाई टू अपॉन एफ ई दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और कैसेग्रेनियन दिस इज कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप एंड दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्टली वी हैव टू राइट इट्स मैग्नीफाइंग पावर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप में भी सेम पहले की तरह वी हैव ए लार्ज कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर सपोज इसको हमने नाम दिया सी और इसी के लार्ज कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स प्लेनेट्स जो भी है हमारे पास में सपोज दीज आर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कनकेव मिरर राइट दीज आर द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वी कैन अज्यूम दैट सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कनकेव मिरर तो ये रेज क्या होंगी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में दे विल ट्राई टू कन्वर्ज एट द फोकस ऑफ दिस मिरर बट वी यूज अनदर प्लेन मिरर। अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि वी आर यूजिंग ए प्लेन मिरर इन दिस केस वी यूज ए प्लेन मिरर राइट एंड दिस प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स द रेज बिफोर इट्स फोकस। क्या होगा ये रेज कन्वर्ज इन रेज को इसके फोकस पे कन्वर्ज होने से पहले ही ये जो प्लेन मिरर है ये क्या 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 काम करता है इन रेज को फिर से रिफ्लेक्ट करेगा। देखो फिर से रेज किस प्रकार से होंगे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो प्लेन मिरर है इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल एक्सिस वी कैन अज्यूम दैट दिस इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ये रेज दे विल बी रिफ्लेक्टेड बाय दिस प्लेन मिरर ये वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी और इस रे की बात करते हैं यहाँ से दिस रे सो दिस रे इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड दे विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट राइट और जहाँ कन्वर्ज होंगी वहाँ क्या होंगे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। नाउ टू ऑब्जर्व द मैग्नीफाइड इमेज वी यूज एन आई पीस एंड आई पीस इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्स लेंस जैसा मैंने अभी आपको बताया पिछले में दिस आई पीस एक्ट्स एज ए मैग्नीफायर विच कैन मैग्नीफाई द इमेज जो इमेज बनेगी सपोज इमेज स्मॉल तो उस इमेज की मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए
we use eyepiece. Now this is the working of Newtonian type telescope. और न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप को किसने मॉडिफाई किया, कैसे, ग्रेन ने, जो हम पिछले वीडियो में, पिछले आर्टिकल में अभी हमने जो डिस्कस किया है वो कैसे ग्रेन टाइप थी. नाउ वी विल डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. देर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन. जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया इस वीडियो के कि क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, जब हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो लेंस पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ जो आती हैं, डिफरेंट वेव्स के कारण से कन्वेक्स लेंस या जो हम लेंस यूज कर रहे हैं, दैट इज जो लेंस है वो रेज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन. इसी प्रकार से सेकेंड एडवांटेज क्या है, स्फेरिकल एब्रेशंस आर रिड्यूस्ड यूजिंग पैराबोलाइड मिरर्स. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर की जगह वी यूज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स. सो ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या करता है, इट गैदर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंड रिफ्लेक्ट्स ए लार्ज रेज. सो क्या होगा, स्फेरिकल एब्रेशंस जो होती हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाती हैं. और तीसरा यहाँ पर क्या है, इमेज इज ब्राइटर बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन. सो क्या होगा, यहाँ जो इमेज बनेगी दैट इज मच ब्राइटर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. एंड फोर्थ इज हाई रिजोल्यूशन. जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं इनकी जो रिजोल्विंग पावर है, इट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ लार्ज अपेरचर. हमने देखा अभी कि हम जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज करते हैं दे आर ऑफ लार्ज अपेरचर. सो जितना अधिक अपेरचर लार्ज होगा, इनकी जो रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्यूशन है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज. सो हाई रिजोल्यूशन इज अचीव्ड बाई यूजिंग मिरर्स ऑफ लार्ज अपेरचर. तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. Thanks and keep on watching.